போராட்டத்தர். डाल साले को कड़ी में। क्या कर रहा तुम लोग? क्या कर रहा तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो मुझे। हेलो। छोड़, छोड़। मैं कहता हूँ। उधर जाओ। हेलो, क्या पुलिस? ठीक है हाँ। हे, कहाँ जा रहा है? हाँ के क्यों छुपाया ठक्कर को तुमने? कहाँ रखा है उसे? कौन ठक्कर? किसकी बात कर रहे हो तुम? तुम्हारे आदमी उसे यहाँ उठाकर लाए हैं। तुम ठक्कर से क्या चाहते हो? अच्छा, उसे मेरे आदमी यहाँ उठाकर लाए हैं? यहाँ? तो ठीक है, जाकर ढूंढ लो। जा। मिल गया ठक्कर। तुम्हारे आदमी ठक्कर को यहीं लेकर आए हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? ये तो मेरी शराफत है कि मैं तुम्हें यहां अंदर आने दिया, और तुम मुझ पर किसी के किडनैपिंग का बेहुदा इल्जाम लगा रहे हो। इसके लिए मैं तुम पर कानूनी इल्जाम। तुम पर कुछ गलत नहीं लग रहा के? ठक्कर फोन पर मुझे उस आदमी के बारे में सब कुछ बता रहा था, तभी उसे उठवा लिया गया। वो यही है इंस्पेक्टर, उसे यही छुपाया गया है। मैंने भी उसे यहां ढूंढा है, फिर भी मैं तलाशी का वारंट लेकर यहां। तब तक बहुत देर हो जाएगी, ठक्कर को मार दिया जाएगा और इस कमीने का चेहरा कभी बेनकाब नहीं होगा। देखो, मैं इंस्पेक्टर का लिहाज कर रहा हूं, वरना वरना क्या करेगा तू? यह तरीका ठीक नहीं मिस्टर विजय। देखो, मैं कानूनी तौर पर। बस कीजिए इंस्पेक्टर, आपने कायदे और नियमों की बेड़िया पहन रखी है और जुर्म सरेआम सड़कों पर नंगा नाच रहा है। के ठक्कर अगर जिंदा नहीं मिला तो तेरी गर्दन कानूनी फंदे की पकड़ में नहीं, मेरे पंजों की पकड़ में होगी। मैं तुझे पर बात कर दूंगा। ये सब छुपाने की भूल आपने की और सजा मैंने पाई। मिज्जू। हाँ भाभी, मुझे धोखे से इस चाल में फंसाया गया। भैया को अनजाने में चाकू मैंने ही मारा था। तूने? भाभी, रुपए चोरी हो जाने के बाद मुझे ये लगा कि भैया को किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाना पड़ेगा, तो मैंने बाबूराम के कहने पर रुपयों के लिए किसी को मारने का काम ले लिया। उस कमीने ने मेरे ही हाथों भैया को मार देने की साजिश की। कितना बड़ा पाप हुआ मुझसे भाभी। मैंने कितनी बेदर्दी से भैया को चाकू मारा। मुझे माफ कर दो भाभी, मुझे माफ कर दो। नहीं विजू, दोषी तू नहीं है। भूल से तूने जिस सुहाग को छीनने की कोशिश की वो मेरा है ना? मैंने तुझे माफ कर दिया और प्रायश्चित से पाप धुल जाते हैं। भाभी, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा, मैं उसे इस गुनाह की बहुत बड़ी सजा दूंगा। जिस तरह मैं अपने अंदर के तूफान को नहीं रोक सकता, उसी तरह आप भी मुझे नहीं रोक सकते। अब ये तूफान दुश्मनों की दुनिया को उजाड़ कर ही थमेगा। अपुन भाई, लगता है आजकल तेरे को विजय से बहुत डर लगता है। क्या बोला? मैं डरता हूं उससे? नहीं भाई, तू डर रहा है मेरे को? नहीं, 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 मेरे को? मैं नहीं डराता भाई। अबे, वो के भाई ने यहां अंदर का काम दिया इसलिए, वरना अपन अगर बाहर होता ना तो उस विजय को सला। विजय चूहों की तरह छुपके बैठा है यहां। बोल बोल के क्या है?
मेरे को नहीं मालूम। बोल के कहाँ है? वो दरिया किनारे वाली सीमेंट फैक्ट्री में। मुन्ना, हाँ भाई मुन्ना। अरे यार कहाँ नहीं ढूंढा तुझे? क्यों क्यों? क्योंकि तेरी मुश्किलों में हम भी तेरे साथ हैं। इसकी कोई जरूरत नहीं। कैसा बात करता है रे तू? ये जंग सिर्फ मेरी अपनी है, सिर्फ मेरी। और इस जंग में मैं अपने दोस्तों की कुर्बानी नहीं दे सकता। विजय, 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 कहाँ जा रहे हो तुम? मेरा भाई वो इंसान नहीं विजय, वो हैवान है हैवान। तो कुछ हो गया तो विजय, तुम कुछ दिन के लिए शहर छोड़ के चले जाओ। विजय तुमने ठीक ही कहा कि वो हैवान है, उसकी मौत मेरी है। छोड़ छोड़ हट, चल हरी चल। के छोड़ दे हरी, चल के बैठ बैठ चल, छोड़ के छोड़ दे, खत्म कर दो इसको, छोड़ो छोड़ो उसे। बाबूराम, साले नारू कोई और नहीं, तू ही है। भैया, भैया नहीं भैया, भैया छोड़। बहुत हो गया तेरा नाटक, बहुत हो गया। तू क्या को नीचा दिखाना चाहती है मुझे? अरे तेरे भाई की जिंदगी को जिसने बेसुरा कर दिया, उसी के भाई के साथ अपनी जिंदगी के तार जोड़ना चाहती है। अपनी शिकस्त के रास्ते में आने वाले हर तार को मैं काट देता हूं। के बोल रहा हूं। किसी भी खूबसूरत चीज को बुरी खबर देना कुछ ठीक नहीं लगता। खैर, तुम्हारा लाडला देवर विजय जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा है बेचारा। नहीं, क्या हुआ मेरे विजय को? हेलो, वो कुलाबा के पुराने कारखाने में अंतिम सांसें गिन रहा है। अपने पति से कहो कि अपनी टूटी फूटी आवाज में उसे लोरियां सुनाए ताकि वो चैन से सो सके। सुमन, हम अभी आ रहे हैं। चंगेज, मेरी बात सुन। बिजू, 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 भैया आप
विजू विजू